हेलो गाइस दिस इज भूषण गायकवाडा अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में तो लास्ट वीडियो में भी हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखते हैं जितने भी ग्लैंड हमारे बॉडी में होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जिनको हम बोलते हैं वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं ठीक है थीके? हमारे बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड होते हैं एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड जिनके बारे में हमने अभी देखा कि वो अपना सारा सिक्रीशन अपने ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं अब ये सिक्रीशन ये जो हार्मोन्स होते हैं केमिकल हॉर्मोन्स ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जहाँ जाने होते हैं वहां पर चले जाते हैं दूसरे होते हैं एक्सोग्राइन ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन जो है वो पाइपलाइंस के थ्रू यानी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो इनको हम डक्टेड ग्लैंड बोलते हैं ऐसे ग्लैंड जिनमें डक्स होते हैं ठीक है थीके? तो ये आते है gland, ये आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में एक्सोक्राइन आर द डक्टेड ग्लैंड जिनमें अपना सिक्रीशन थ्रू ट्रांसफर करते हैं जैसे लीवर हम देखते हैं लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है बाइल जूस और वो बाइल जूस लीवर से पे जाता है इंटेस्टाइन में जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट तो ये डक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है ठीक है इसीलिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं बाकी जितने भी हम ग्लैंड्स देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड वो सारे के सारे अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं और ब्लड हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड है जो कि हमारे बॉडी में सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है तो वैसे ही ये जो सिक्रीशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का मोस्टली ये हॉर्मोन्स होते हैं तो हॉर्मोन्स ये चले जाते हैं ब्लड में और ब्लड के थ्रू अब जिस भी बॉडी पार्ट में इनको जाना होता है वहां पे ये चले जाते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क करता है वो हमको देखना है तो डिटेल में आइए समझते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और फिर हम बात करेंगे द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज हाइपोथेलाइमिस के बारे में सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में तो एंडोक्राइन सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो हमारा ये जो आप डायग्राम देख रहे होंगे दिस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला ये जो हमको बुक में भरने के लिए दिया है सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में जिसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं जो कि हमारे क्रैनियल कैविटी में लोकेटेड होता है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी के सारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करता है रेगुलेट करने का काम करता है इसीलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला गया है जिसमें ये थाइरोइड ग्लैंड को थाइमस को इसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड ओवरी, टेस्टिस सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को इवन गैस्ट्रिक ग्लैंड को ये कंट्रोल करने का काम करता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में हम देखते हैं सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें ये पिट्यूटरी में भी आता है तो इसके बाद अब बात करते हैं कि अदर एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे थाइरोइड ग्लैंड हम देखते हैं नेक रीजन में हमारे प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द लैरिंग्स इन फ्रंट ऑफ द ट्रकिया ट्रकिया के आगे में प्रेजेंट होता है लैरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है ठीक है थाइमस हम देखते हैं हमारे चेस्ट के पोस्टेरियर चेस्ट में प्रेजेंट होता है जस्ट बिहाइंड द हार्ट ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है ट्राइंगुलर शेप ग्लैंड होता है दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड जो कि हार्मोन सेक्रेट करता है एड्रीनलिन नॉर एड्रीन एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफरिन जिसको बोलते हैं हम जो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में काम आते हैं इसके अलावा अल्डेस्टेरॉन ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन सिक्रीट करता है ठीक है इसके बाद ओवरीज ये जो हम देखते हैं फीमेल में हम देखते हैं पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं जो कि एग रिलीज करते हैं ठीक है यूटेराइन डेवलपमेंट करते हैं इसके अलावा प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम ओवरीज के हार्मोन का होता है ठीक तो, है, है, है तो ओवरीज ये बहुत मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड हम देखते हैं अगेन और टेस्टिस इन केस ऑफ मेल मेल के केस में टेस्टिस टेस्टिस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं इसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो दीज आर द डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड हम बोल रहे हैं जो कि एक पर्सन में होते हैं ठीक है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड द थारॉइड ग्लैंड द थाइमस ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड And and हमने देखा किस को कंट्रोल करता है इसीलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं लेकिन पिट्यूट्री खुद भी किसी के कंट्रोल में होता है पिट्यूट्री को भी कंट्रोल करने वाला कोई होता है तो दट इज दाइपोथेमस ठीक है पिट्यूट्री सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है बट पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस तो आइए अभी इस डायग्राम के बेसिक पे इसको समझते हैं तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस ये जो जो है है सबसे ऊपर वाला ये जो है, ये स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस सबका बाप है इट इज द बाप ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है तो ये बेसिकली पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है जितने भी आप नीचे एंडोक्राइन ग्लैंड देख रहे होंगे टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड ठीक है थायरॉइड ग्लैंड ठीक है तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम किसका होता है पिट्यूटरी का होता है बट पिट्यूटरी अकेला यहाँ पे कंट्रोलर नहीं है पिट्यूटरी के भी ऊपर यहाँ पे कोई उसका बाप है तो पिट्यूटरी का बाप कौन है हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है तो हाइपोथैलेमस अपने कुछ सिक्रीशन सिक्रीट secret करता है जिसको हम बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स क्या बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर ये रिलीजिंग फैक्टर हम देखते हैं दैट इज हाइपोथैलेमस से होके हाइपोथैलेमस से होके ये रिलीजिंग फैक्टर अब ट्रैवल करते हैं कहाँ पे एंटेरियर पिट्यूटरी में आप देख रहे होंगे हाइपोथैलेमस से ये रिलीजिंग फैक्टर एंटेरियर पिट्यूटरी में ट्रैवल करते हैं और एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिम्यूलेट करते हैं और ये ट्रैवल करने का काम अंदर ही अंदर होता है जिसके अंदर हाइपोफाइजियल सिस्टम या हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम यहाँ पे होता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है तो वेन्स का नेटवर्क होता है कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसके वजह से जो हॉर्मोन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में जो भी हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे हार्मोन्स अब हम देखते हैं कहां पे आते हैं दैट ऑल हॉर्मोन्स कम टू द पिट्यूटरी और पिट्यूटरी के एक्टिविटी को ये कंट्रोल करने का काम करते हैं तो सारे हार्मोस जो हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं वो पिट्यूटरी में ट्रांसफर होते हैं बाय अ वेन्स के सिस्टम वेन्स का जो सिस्टम होता है वेन्स के सिस्टम से यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो हॉर्मोन्स है वो ट्रैवल करते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी में और एंटेरियर पिट्यूटरी को ये स्टिम्यूलेट करते हैं बाकी पोस्टेरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करते हैं तो अब पोस्टेरियर पिट्यूट्री में हम सिंपली देखते हैं कि पूरे के पूरे हॉमोन पोस्टेरियर पिट्यूटरी में जो भी आते हैं वो सीधे हाइपोथैलेमस से आते हैं ठीक है थीके? तो पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस और आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिलेंगे जैसे जैसे हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा उस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेगा फॉर एक्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करता है जैसे कि ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए एफ एस एच एल एच सिक्रीट करता है तो पिट्यूटरी कब एफ एस एच या एल एच सिक्रीट करेगा जब उसको हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग फैक्टर मिलेगा कि भाई एफ एस एच रिलीजिंग फैक्टर एफ एस एच आर एफ जिसको बोलते हैं एफ एस एच रिलीजिंग फैक्टर जब ये एफ एस एच रिलीजिंग फैक्टर को सेंड करेगा तभी पिट्यूटरी को पता चलेगा कि हाइपोथेमस ने रिलीजिंग फैक्टर भेजा है तो मुझे अब एफ एस एच बनाना है थीके? वैसे ही अगर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना है एड्रीनल ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी सिक्रीट करता है एसी टी एच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हॉर्मोन ठीक है तो एसी टी एच वो तभी सिक्रीट करेगा जब रिलीजिंग फैक्टर कौन देगा हाइपोथेलामस हाइपोथेलामस देगा एसी टी एच आर एफ ठीक तो है, रिलीजिंग किस टी एच एड्रिनल ग्लैंड पे वैसे ही अगर पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन से करना है जो हमारे बोन्स पैक्ट करेगा muscles pack करेगा और हमारी हाइट इंक्रीज होगी हमारी ग्रोथ होगी तो ऐसे में पिट्यूटरी इसको एक सिग्नल देगा ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ठीक है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी को पहले तो सिग्नल देगा कौन से जैसे ही सिग्नल आएगा पिट्यूटरी पिट्यूटरी को pituitary बोलेगा लो भाई ग्रोथ हार्मोन भी बना दिया मैंने और ग्रोथ हार्मोन भी बना के हमारी बॉडी की वो ग्रो करने में हेल्प करेगा तो इस तरीके से हाइपोथेलमस सभी ऑर्गन का सभी ग्लैंड का हम बोल रहे हैं सभी एंडोक्राइन ग्लैंड का बाप है पहले तो पिट्यूटरी होता था पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला जाता था बट पता चला बाद में कि जो है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और इस तरीके से हम बोलते हैं अभी कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ठीक है एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोलिंग सेंटर है तो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है हाइपोथेलाइमस तो आइए अभी इसकी थेरी समझते हैं अब थेरी में हम क्या बोलते हैं देखो हाइपोथेलमस की अगर हम बात करते हैं तो हाइपोथैलॉमस ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन का होता है तो बेसिकली हमारे बॉडी में हम देखते हैं जब हमारी बॉडी फॉर्म होती है तो तीन लेयर होते हैं एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मिजोडम तो ये तीनों में से एक्टोडर्म से बनता है तो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है इट इज लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ डायनसेफिलॉन हमने पढ़ा है फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइन ब्रेन जिसमें हमने फोर ब्रेन में डायनसेफिलॉन पढ़ा था डायनसेफिलॉन तीन पार्ट से बना है एपीथैलामस थैलमस एंड हाइपोथेलामस याद आ रहा होगा आपको तो हाइपोथेलमस क्या है थेलैमस का डायनसेफिलोन का फ्लोर है फ्लोर यानी सबसे नीचे वाला

इसके अलावा इट कंट्रोल्स द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे हमने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग द इनिबिटिंग हार्मोन तो हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट करता है या तो या तो इनिबिटिंग फैक्टर सिक्रीट करता है अगर कोई पिट्यूटरी से कोई प्रोडक्ट रिलीज करवाना है ठीक है कोई हार्मोन रिलीज करवाना है तो वो रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट करेगा ठीक है और पिट्यूटरी को बोलना है कि भाई अब रिलीज मत कर अब बंद कर दे सिक्रीशन तो वो क्या सिक्रीट करेगा इनिबिटिंग फैक्टर तो दो फैक्टर वो रिलीज करता है हाइपोथेलेमस जब पिट्यूटरी को बोलना है कि भाई रिलीज कर रिलीज कर तो रिलीजिंग फैक्टर ठीक है और पिट्यूटरी को बोलना है कि भाई चुप कर बंद कर अभी नहीं करना है सिक्रीशन तो इनिबिटिंग फैक्टर तो ऐसे दो तरीके के फैक्टर हाइपोथेलेमस बनाता है और वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है हार्मो ऑफ हाइपोथेलेमस आर पेप्टाइड हारमोन तो हाइपोथेलेमस के सारे हार्मोन जो होते हैं वो बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन होते हैं हमने पढ़ा है हार्मो जो है अमाइन टाइप के होते हैं इसके अलावा अमीनो एसिड डेरीवेटिव होते हैं फैट डेरीवेटिव होते हैं प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं पेप्टाइड हार्मोन होते हैं इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हारमोन हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो लेक्चर्स में सो so, सारे के सारे जो हाइपोथेलेमस के हार्मोन्स होते हैं वो पेप्टाइड हारमोन्स होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड सो नेक्स्ट हम बात करते हैं दे आर सिक्रेटेड द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स तो दे आर सिक्रेटेड बाई न्यूरोसिक्रेटरी सेल मतलब जो भी हाइपोथेलैमस के जो हार्मोन्स है वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के जरिए सिक्रीट होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल यानी न्यूरोन्स तो हाइपोथेलैमस क्या है ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन किससे बना है न्यूरोन्स से बना है तो बेसिकली न्यूरोस ही जो है वो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करते है इसीलिए ऐसे सेल्स को न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बोला जाता है और ऐसे हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स बोला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये न्यूरो हॉमोन्स बोला जाता है इनको क्यों न्यूरो हॉमोन बोला जाता है क्योंकि ये न्यूरो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स यानी न्यूरॉन्स के जरिए सिक्रीट होते हैं ब्रेन के जरिए सिक्रीट होते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस के खुद के हार्मोन जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं जैसे कि दो हार्मोन यहाँ पे देखने मिलते हैं हाइपोथैलेमस के दैट इज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डाई हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है और ऑक्सीटोसिन ये एक हार्मोन है तो एडीएच हमारे बॉडी में सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है ठीक है हमारे बॉडी में पानी की कमी या पानी का जो रेगुलेशन होता है पानी और सॉल्ट का वाटर सॉल्ट का ठीक है उसका बैलेंस मेंटेन करने का काम एडीएच का होता है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की तो ये इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं ये पार्चुरेशन में काम आता है सबसे ज्यादा डिलीवरी में जब चाइल्ड का बर्थ होता है चाइल्ड की डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे ये हार्मोन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन ठीक है इनको हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करने वाले हैं तो टेंशन मत लीजिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस के बारे में कि हाइपोथैलेमस के क्या क्या हार्मोन्स हैं और किस तरीके से हाइपोथैलेमस के ये जो हार्मोन्स है ये हमारे बॉडी में पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं या डिफरेंट फंक्शन कैरी आउट करते हैं तो ज्यादातर हार्मोन हम देखते हैं हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी को ही रेगुलेट करेंगे पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे तो पिट्यूटरी सारे हार्मोन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है लेकिन पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड तो हमने बोला है क्योंकि वो सारे को कर रहा है। लेकिन पिट्यूटरी का भी बाप कौन है तो मोस्ट ऑफ द हार्मोन जो होंगे बोला एसी टी कंट्रोल एड्रीनिकोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन तो एसी टी एच कौन सिक्रीट करता है पिट्यूटरी लेकिन पिट्यूटरी को सिग्नल देगा प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग फैक्टर रिलीजिंग हार्मोन तो यहाँ पे एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा हाइपोथैलेमस कि हाइपोथेलमस ये हार्मोन से रिलीज करेगा दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपी रिलीजिंग हार्मोन और यह हार्मोन किस पैक करेगा इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एसीटीएच बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो यहाँ पे यह पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ये रिलीजिंग हार्मोन एसीटीएच रिलीजिंग हार्मोन ये कौन से ग्रीट करेगा हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस से यह किस पैक करेगा पिट्यूटरी पे और पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा एसीटीएच जो किसको स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को नेक्स्ट हम बात करते हैं थायरोट्रोपिन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी ये ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ठीक है इट इटमुलेट द रिलीज ऑफ टी एस एच बाई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अब जैसे हम यहां पे देखते हैं अगर हम देखते हैं हाइपोथैलेमस ठीक है हाइपोथैलेमस हाइपो यहां पर हाइपोथैलेमस यहां पर क्या रिलीज करेगा बोल रहे हैं हम इट विल रिलीज द थारॉइड रिलीजिंग फैक्टर या थारॉइड रिलीजिंग हॉर्मोन TRH, thyroid releasing hormone, या भी बोलते हैं इसको। तो ये जब release करेगा, तो ये ये जब करेगा करेगा? किस और पिट्यूट्री एक्ट करेगा तो पिट्यूट्री क्या रिलीज करेगा था हार्मोन तो इसी तरीके से सारे जो हम देखते हैं कि पहले तो हाइपोथेमस पिट्यूट्री एक्ट करेगा हार्मोन सिक्रिट करके और फिर पिट्यूट्री जो है वो अपने जो भी हारमोन है वो बना के वो उस पर्टिकुलर ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो तो जो है है अब वो एक्ट करेगा ग्लैंड पे पे ठीक नेक्स्ट हम देखते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड और वो कब रिलीज होता है जब उसको सिग्नल मिलता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस हाइपोथेमसिक्रीट करता है नेक्स्ट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगेन हाइपोथैलेमस हाइपोथेमसिक्रीट करेगा पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा

तो प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन ये कौन सीक्रिट करेगा हाइपोथैलेमस और सिग्नल किसको देगा पिट्यूटरी को कि भाई प्रोलैक्टिन बनाना बंद करो तो पिट्यूटरी जो है वो प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन इनिबिट कर देगा स्टॉप कर देगा तो यही यहां पे है इट इनिबिट द प्रोलैक्टिन रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये प्रोलैक्टिन का जो प्रोडक्शन है उसको इनिबिट कर देता है एक और हार्मोन रिलीज होता है प्रोलैक्टोट्रोपिन प्रोलैक्टोट्रोपिन यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ये भी हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है और यह अगेन पिट्यूटरी पे एक्ट करता है कि टू रिलीज द प्रोलैक्टिन ठीक है तो ये यह यहां पे दिया नहीं है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोमैटोस्टैटिन सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ फैक्टर रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ फैक्टर यानी ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करने वाला हार्मोन है तो हमारी पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है जिसके वजह से हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है हाइट बढ़ती है बोन का डेंसिटी बढ़ता है ठीक है तो यहां पे ग्रोथ को रोकने के लिए ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को रोकने के लिए सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट होता है ठीक है सो सोमैटोस्टैटिन इट इनिबिट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को ये बंद कर देता है इनिबिट कर देता है मतलब पिट्यूटरी पिट्यूटरी को यह सिग्नल देगा दैट इज सोमैटोस्टॉपिन रिलीजिंग हार्मोन ये सिग्नल देगा ठीक है जैसे ही ये सिग्नल देगा सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस के थ्रू पिट्यूटरी अपना ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद कर देगा नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज सोमैटोट्रोपिन दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर अगेन हाइपोथैलेमस जब सिक्रिट करेगा तो ये पिट्यूटरी पैक्ट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा तो ग्रोथ हार्मोन का ये रिलीज को स्टिमुलेट करता है इसके अलावा ये गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड हार्मोन यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स है उनको रिलीज करने के लिए ये स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक इनिबिट्री पोलीपेप्टाइट तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो भी हार्मोन होते हैं उनको इनिबिट करने के लिए भी कौन सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस तो बेसिकली ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के हार्मोन के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस तो बेसिकली इस तरीके से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है ठीक है सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है बोला हमने पिट्यूटरी इसलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है लेकिन पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस बाय प्रोडक्शन ऑफ सम रिलीजिंग फैक्टर और बाय प्रोडक्शन ऑफ सम इनिबिटिंग फैक्टर

अब डिटेल में हम वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर को जानेंगे हाइपोथैलेमस हमने समझ लिया यहाँ पे कि हाइपोथैलेमस एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है उसमें न्यूरो हॉर्मोन्स होते हैं और ये न्यूरो हॉमोन जो है न्यूरोसिक्रीशन सिक्रीट करते हैं यानी कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ये हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं इसमें से कुछ हार्मोन है जो डायरेक्ट बॉडी पे एक्ट करते हैं जैसे वैसोप्रेसिन जिसको हम एडीएच बोलते हैं एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन ठीक है बाकी सारे हार्मोन पिट्यूटरी की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं कंट्रोल करते हैं यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा इंडोक्राइन सिस्टम का ये वीडियो खत्म हो जाता है आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए खुश रहिए जिंदगी के मजे लेते रहिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच